रोड बनने से पहले हर रोज़ का मेरा रोना ये होता था कि क्योंकि रोड नहीं बना हुआ इस वजह से गाड़ी गंदी हो जाती है। तो अब सलमान भाई क्या कर रहे हो, तुम गाड़ी क्यों नहीं धुलवा रहे हो? धुलवाएंगे धुलवाएंगे इंशाल्लाह, गाड़ी जब से रोड बना तब से धुलवाई ही नहीं और इंतहा की गंदी हो रही है। लेकिन इस टाइम हम लोग जा रहे हैं जिम, और जिम जाके ज़रा आज कोई वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे ज़रा सा स्विमिंग पूल में जाएंगे, थोड़ा सा पूल शूल में जाके थोड़ा इन्जॉयमेंट्स करेंगे। और मेरा और नम्मो का जिम एक ही है। नम्मो तुम पहले दिन कह रहा हूँ, बहुत दिन के बाद पहले जिम गई थी, मेरे से पहले मतलब। आज से कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था ना। हाँ। और आज मैं इन लोगों को अपना जिम ज़रा अंदर से डिटेल में दिखाऊंगा, उस दिन पूल दिखाना भूल गया था। तो हम लोगों का ज़बरदस्त किस्म का जिम और हमारी ज़िंदगी में जो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टी। हम आ जाओ पार्टी, जिम आ चुका हूँ मैं और मेरा प्लान तो आज सिर्फ स्विमिंग का ही है, बाकी की गेम इंशाल्लाह ताला कल परसों करें। हाँ, यहाँ पे अक्सर मैंने इसमें सामान रख के भेज जाता है मेरा कौन सा, तो ये 73 है, ये ब्लॉग के लिए भी है और अपने याद जाने के लिए भी। अच्छा, मैं चप्पलें रख के लेके आया था क्योंकि जूते पहन के पूल के पास जाओ ना तो सारी चीज़ें जो हैं वो गीला गीला माहौल हो जाता है। ये है जिंदाबाद किस्म का गोल्ड जिम का पूल, वाह। और यहाँ पे जकूजी और कोल्ड जकूजी भी शायद, इसको कोल्ड जकूजी कहते हैं ना, आई डोंट नो। और इधर सोना है। बड़े दिन के बाद पूल किया, मज़ा ही आ गया, मतलब जिसे कहते हैं ना। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा चलते हैं जकूजी, पता नहीं कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर, चेक कर लेते हैं। जिंदाबाद किस्म का गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं भाई साहब, ये अपने बस की नहीं है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल ठंडा पानी है। ट्राई करेंगे लेकिन आज नहीं भाई। ओ भाई साहब क्या ही मज़ा आया ना इस गर्म पानी के अंदर आके। ओ गर्म पानी जकूजी, सो लवली। ठंडे में भी जाऊंगा लेकिन आज नहीं भाई। ये हमारा लॉक है, क्यों नहीं खुल रहा? भाई भाई को बुलाए, खोल दे। ये सबका लॉक हो जाता है क्या? सबका लॉक हो जाता है इस तरह से? देखो नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिया, लेकिन एक मसला है, ये कपड़े गीले हैं, इसको मैं बैग में नहीं रख सकता। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये था कि मैं घर से थैली लेके आता, उसमें रख के लेके जाता। लेकिन जिम वालों को ये वाली बात पता थी कि जब कोई बंदा आएगा पूल में उतरेगा जकूजी में उतरेगा तो उसके कपड़े गीले होंगे। उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर लगाया ये छोटा सा एक ड्रायर, इसमें अपने कपड़े डालो ऐसे, चश्मा ना डाल देना वो भी सूख जाएगा, ऐसे डाल के इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वन स्विम सूट ओनली। इसको हम ऐसे ही वो बंद करेंगे, अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो? ठीक है, नाराज़गी की बात नहीं है कोई भी, तो दो। ये अब सूख रहे हैं इसके अंदर हमारे कपड़े, ये पाइप लगा हुए नीचे, पाइप में सारा पानी निकल जाएगा, एकदम सूख साख के बेहतरीन कपड़े बाहर आ जाएंगे। अब इसको हम बैग में रख सकते हैं, थैली की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे शावर लिया था, मस्त शावर लगा हुआ था जिम में, मस्त किस्म का, एक सेकेंड के लिए करना था सूख के बाहर आ गया सारा सामान एकदम, दोबारा पहनने काबिल अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बस चलते हैं बाहर। हो बॉडी, यहाँ पे तो टाइम पूरा हो गया जिम का, बाहर निकलते हैं ज़रा कुछ और करते हैं ज़िंदगी के अंदर। शावर लेने में जो मज़ा आया ना बाबा जी, बहुत आला शावर था, वो चकोर वाला बड़ा सा होता है ना, उसमें से ऐसा मस्त मज़ा आ रहा था। सोचा कि पार्टी, ये मैं जिम से तो फ्री हो गया था, नम्मो अभी तक अंदर है, तो मैंने कहा चलो मैं वैसे यहाँ पे वॉक करता हूँ। मुझे एक दुकान मिली खिलौनों की ना, उस पर मिल रहे हैं जकारो, ये जकारो आजकल जो गेम है ना वो मतलब हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। तो इसमें चार वाला भी आता है और इसमें छः वाला भी आता है। इसके अंदर इसने मुझे बताया दो किस्में हैं, ये देखो ये छः वाला है, ठीक है। आप लोग अगर मुझे बोलोगे मैं आप लोगों को खेलना भी सिखाऊंगा। ये छः वाला है, इसमें छः प्लेयर खेलते हैं, एक तरीके से कह लो कि लूडो और पत्तों का मिक्सचर होता है। और इसमें चार वाला भी होता है, देखो ये वाला है चार वाला। लेकिन हमारे पास सीन क्या होता है कि खेलने वालों में मैं हूँ, अम्मान है, साधु है, भाबो हैं और नम्मो हैं, तो पांच लोगों में से एक बंदा हमेशा बाहर बैठता है। तो हमने ये सोचा कि छः वाला ले लेते हैं, छः में
चार लोग तो खेल सकते हैं आराम से, लेकिन चार वाले में छः वाला नहीं खेल सकेंगे। तो मैंने जो पसंद किया वो ये पसंद किया है, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है, इसको रखने में आसानी होगी, और इसके ऊपर ना कंचे रखते हैं तो उससे फ़ायदा। और इसमें अच्छी बात यह है कि नंबर भी लिखे हुए, तो जो भी बारी आएगी वो हम चल देंगे। अगर आप लोगों को जकारो खेलना आता है तो बताना, और अगर सीखना है तो भी बताना, मैं आप लोगों को इसके रूल्स भी बताऊंगा। टाइप फाइनल। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि ये तक लेना ورين ال هذا شو اسمه الحبوب افتح لي افتح لي اوكي عشان نبغى نشوفها شكر यार अपना जकैरो हो जाएगा क्योंकि घर पे जो था वो चार वाला जकैरो था तो अच्छा हो गया हमने छह हां ये भी तो एक वजह है छह लेने की कि घर पे चार वाला है वो नाइस चलो बैक लाफिंग ये इसके साथ कंचे आते हैं इस तरह से और यार कंचों की क्वालिटी तो अच्छी है लवली بس تراعينا فيه والله يا باشا انا اعطيك دي بعدها ب 25 لا ما ابغى تقول قول لي هذه بتعطيني خصم هاي ما هي دي هنا مكتوب 99 99 لكن يقول لك 95 में ले लो لكن मैं इसको बोल रहा हूं इसको और थोड़ा सा कम कर حتى حتى تعطينا خصم كمان في احسن منه في احسن منه اكيد طيب ادينا حاجه شوف لي شوف لي اذا في احسن منه لا ما فيش احسن لو في احسن كنت ادمنه ده مش عارف طيب और भी कुछ देखते हैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया खेलने का एंजॉयमेंट करने का तो लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इसके पास सारे इस टाइप के गेम्स रखे हुए हैं लेकिन मसला ये है कि ये अरबी में, अब सबको अरबी नहीं आती खेलने वालों को ना, तो इसमें अगर कोई इंग्लिश वाला मिलता है तो हम ले सकते। यार ये बंदर कितने मजे वरिन अलगिरदाद यसुद सबरा ولا لا 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 الجرد جرد اوه هاجي واجي هذه ايش واو تفضل كيف يعني بدنا نحطه هذا ما نحطوه في السياره اه اوكي انت تحطه في السياره الاطفال ما يموتوا فيه والله وفي نفس الوقت اي الشباب اللي زي انا وانت نحطه في السياره يسليك في السياره كده اوكي يعني بس كده نحطها في السياره بس قاعدين ما اسي ركتين اسكو ايوه منوش شغل وشاف من فوق عامل كيف واو اوكي لكن ده حلو هذه كم سعره اشوف واعمل لها خصم صغير عليه ولا يهم هو المفروض 35 لحضرتك 30 بس صحيح سيلز مان هي يا 35 كام 30 كده دوم مكتوب هناك 99 تقول لي 95 وتراعيني كمان هنا 35 مكتوب تقول لي 30 ماشي ما ده شوف النسبه خلاص هذا هذا المره الجايه خليها لا 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 خليها عم لا لا خليها خذها حل خليها 25 لا لا خليها خليها بعدين ولا يهم تسلم حبيبي ما قصرت شكرا وانت سعودي بقى ولا ايش انا باكستاني ايوه ما شاء الله بس مواليد سعوديه عشان كده شويه سعودي وشويه باكستاني مش عارف تسلم حبيبي شكرا ما قصرت جزاك الله خير طيب اعطينا شبكه اوكي بس جهابي جاو سبسكرايب كروا دو فورن فورن اكتب سلمان امداد بالعربي بالانجليزي اي شيء طب خد انت اكتب يعني وفين المفاجاه فين المفاجاه ايوه صح المفاجاه واو قلت لهيك شويه قلت لهيك هذه كره يا باشا اعصاب شوف ايديا شوف ايديا شاه هتظبط لك الاعصاب بتاعك الله ينور انت عليك رايك في المصريين مرحبا مصريين ما شاء الله حلاوه ما شاء الله تبارك الله الله ينور عليك شكرا جزاك الله خير مجھے بول رہا تھا میں ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گا تجھے گفٹ دے دوں گا تو اس نے مجھے یہ بال گفٹ دی شکرا حبیبی جزاك الله خير شکرا شکرا الله ينور عليك मैरिनारा मैरिनारा चिकन और कौन से सारे मिक्स करवा लें कौन से शेप अच्छा लगता है मिक्स करवा लें ओके मिक्स पास्ता वेजिटेबल इसके साथ एक जैसे ही हो जाएगा ना ये भी फिर वेजिटेबल तो होनी चाहिए सारी नहीं अभी हम लोगों ने ये लिया है ये नूडल्स इस तरह से मिक्स करके सिग्नेचर चिकन एग नूडल्स और इसके साथ ये सारी सब्जियाँ और यहाँ पे ये हमें लेना था ओवन वाला लेकिन इसके अंदर ना चीज़ बहुत है तो चीज़ नहीं चाहिए तो इस वजह से हमने ये पास्ता ले लिया अभी पास्ता में मरीनो सॉस मरीनारिया सॉस चिकन ये सारे और ये इसमें से ऑलिव कैरेट और मशरूम डलवाए खाली बस अभी रेडी होता दिखा ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं 84 रुपए साथ में हमने आइस टी भी ली पास टूटल्स बन के आ गए माशाल्लाह दोबारा मुंह कैसा उठ रहा है टेस्ट करके जरा बताओ कैसा लग रहा है बस था चॉपस्टिक्स भी आई हैं साथ लेकिन मुझे चॉपस्टिक्स से खाना आता नहीं है तो हम ये करेंगे और साथ में गार्लिक ब्रेड्स भी हैं विद चीज़ और
विदाउट चीज़। पार्टी वैसे वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जो एक टाइप की खाना पीना ये वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका भाई जो है ना पर्सनली टोटकों पे बहुत ज़्यादा यकीन करता है, और बहुत ज़्यादा करता भी हूँ मैं, मुझे अच्छा भी लगते हैं, क्योंकि उसका असर होता है और देर पा असर होता है। देर पा मतलब कि लॉन्ग टर्म उसका असर होता है, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन फ़ौरन असर कर दिया और फ़ौरन फ़ौरन जो है वो उसका असर ज़ाहिल भी हो गया। देर तक रहने यानी जब आप चीज़ करते हो खाते हो तो देर में उसका असर होता है और देर तक रहने वाला असर होता है। उसी तरीके से एक टोटका है पेट साफ करने का, ज़बरदस्त किस्म का पेट जो आपको साफ़ करना होता है, उसका एक टोटका यह है कि आपने लेनी है इसबगोल की भूसी, ठीक है। इसबगोल की भूसी जो होती है, सात इसबगोल, हाशमी इसबगोल, कोई सी भी इसबगोल ले लें आप, ठीक है, उसकी ये भूसी लेनी है और एक चम्मच टेबल स्पून आप डालेंगे प्याली के अंदर। जब मैं बना चुका था फिर मुझे ख्याल आया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और एक चम्मच आप डालेंगे ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोई सा भी, मैंने ये डाला है आफिया का ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये ऐसे ही हूँ क्रंची क्रंची सा हो जाएगा। नॉर्मली आपने लोगों को पानी में पीते हुए देखा होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। पानी में पीने का एक नुकसान ये है कि वो ठंडक, क्योंकि इसबगोल जो होती है ना वो ठंडा होता है, तो उसका ठंडक का असर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, ये वाली चीज़ें भी उसके साथ आती हैं। फिर टोटकों में ये वाली चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ऑलिव ऑयल के साथ अगर आप लेते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो नज़ला, खांसी, सर्दी, जहाँ आप ठंडे एरिया में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ आपके पास एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, तो आप पानी के साथ पियेंगे तो आपको ये गलत असर करेगा, मतलब ठंडक वाला होगा, पेट तो साफ़ हो जाएगा लेकिन नज़ला खांसी शुरू हो जाएगा। और अगर ये ऑलिव ऑयल के साथ करेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन पेट साफ़ हो जाएगा, नज़ला खांसी भी नहीं होगा। तो ये था आज का आपके भाई का टोटका। अगर करना हो तो ऑन योर ओन रिस्क कर लेना, और अगर नहीं करना हो तब भी ठीक है, लेकिन पेट साफ़ करने, जब आपका पेट साफ़ होता है ना तो आपका यहाँ पे दिमाग भी साफ़ हो जाता है। जहाँ पे आपके पेट में गंद भरा हुआ होता है वहाँ पे आपके दिमाग में भी गंद भरा हुआ होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, गर्दन भारी हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन एक दफ़ा है भाई, इसका मतलब जो है नम्मो से पूछना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, आपका जो पेट है वो आपका दिमाग है। अच्छा अच्छा, जो पेट है वो पेट मेरा, मैंने नया दिमाग लगवाया है पेट में। क्या बकवास है। चलो हम जरा ये टोटका, हाँ इसको पानी के साथ खाना है, मतलब इसको चबा चबा के नहीं खाना, इसको यूं करके बस मुंह में डालो और पानी के साथ निकल जाओ एक टेबलेट की तरह। बिलाफिया अलैकुम इंशाल्लाह। और ये टोटका जो है हमारी वालदा माजदा ने हमें बताया था कि इससे पेट जो है साफ़ हो जाता है, क्योंकि मुझे पेट का मसला चलता रहता है, अक्सर लोगों को होता है, और स्पेशली वाइट ब्रेड जब आप खाओ तो फिर तो आपका पेट बंद ही होता है, बीफ खाओ तो पेट बंद हो जाता है। तो दिस इज़ दी जाज इतने साहब रूढ़ी का, पीपल्स कम रस्सा चिक साहब कुड नॉट कम दे वापस। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर रख रहा था, गिर गया।